दोस्तों, अगर आपको भी गंभीर और कोहली की टीमों के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे रोमांचक 36वां मैच पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 का रोमांच अपने चरम पर चल रहा है। एक और ऐतिहासिक 36वें मुकाबले के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के सामने खड़ी हुई थी कोलकाता नाइट राइडर्स की क्रिकेट टीम। पे बैक वीक की शुरुआत में ही सुपर संडे के पहले मैच में बेंगलुरु ईडन गार्डन के मैदान पर एक नया चमत्कार करना चाहती थी। इस मुकाबले में सिक्का भी जब उछाला गया तो टॉस के बाउंस बने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने पहले होम टीम कोलकाता को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका तो शायद अंदाजा भी बेंगलुरु को कभी नहीं था। और फिर इस मैच में जो हो गया उसने इस रोमांचक मुकाबले और कई बड़े बड़े खिलाड़ियों का नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवा दिया। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कोलकाता की तरफ से एक बार फिर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से फिलिप सॉल्ट के साथ सुनील नारायण की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनका नाम ही गेंदबाजों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। और पहले ओवर में ही फिलिप सॉल्ट ने मोहम्मद सिराज को आड़े हाथों लेते हुए पहले एक तूफानी छक्के से अपना और अपनी टीम का खाता खोला तो फिर अपने तेवर बेंगलुरु को दिखाते हुए एक और चौका लगाकर पहले ओवर में ही 12 रन बटोर डाले। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके सिर पर खून सवार है। दूसरे ओवर में भी इस बल्लेबाज ने दो खतरनाक चौके लगाए और तीसरे ओवर में उन्होंने लॉकी फर्गुसन का तो करियर ही तबाह करके रख दिया। एक नहीं दो नहीं, लगातार इस ओवर में सॉल्ट ने जहां लॉकी का स्वागत तूफानी छक्के से किया तो इस ओवर में कुल दो खौफनाक छक्के साथ ही साथ चार खौफनाक चौके छह गेंद में लगाकर उन्होंने न केवल इस ओवर में 28 रन बटोरे बल्कि चार ओवर में ही अपनी टीम कोलकाता को 55 रनों के स्कोर तक पहुंचा दिया। ऐसा लगा कि आज एक बार फिर बेंगलुरु की शामत आ जाएगी क्योंकि उनका बल्ला आग उगल रहा था। लेकिन दोस्तों, फिर बेंगलुरु ने ऐसा चमत्कार किया कि अपने ही घर पर कोलकाता की क्रिकेट टीम आंसू बहाने पर मजबूर हो गई। जी हाँ, पांचवा ओवर लेकर आए कोहली के सबसे भरोसेमंद मोहम्मद सिराज ने दूसरी गेंद पर फिलिप सॉल्ट को आउट कर अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया, जहां यह बल्लेबाज केवल 14 गेंद पर 7 चौकों और 3 खौफनाक छक्कों से सजी 48 रनों की खतरनाक पारी खेलकर वापस लौटा। तो पावर प्ले के आखिरी ओवर में यश दयाल ने तहलका ही मचा दिया। पहली गेंद पर उन्होंने घातक बल्लेबाज सुनील नारायण का शिकार कर कोलकाता के दोनों ओपनर वापस भेज दिए, जहां नारायण 15 गेंद पर केवल 10 रन बना पाए तो उनके आउट होने के बाद वेंकटेश अय्यर ने भले ही एक के बाद एक दो खतरनाक चौके जड़कर अपना खाता खोला हो, लेकिन ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए यश दयाल ने ओवर के आखिरी गेंद पर अंग कृष्ण रघुवंशी का शिकार कर कोलकाता की उम्र तोड़ दी, जहां पर यह युवा खिलाड़ी केवल 3 रन बना पाया और 6 ओवर के पावर प्ले में कोलकाता ने 75 रन बनाकर अपने 3 बल्लेबाज गवा दिए। मैच बराबरी पर खड़ा हुआ था। अब मैदान पर वेंकटेश अय्यर का साथ निभाने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर खुद मैदान में उतर चुके थे। उन्होंने भी आते ही बेहतरीन चौके से अपना खाता खोला और 8वें ओवर में करण शर्मा के खिलाफ कप्तान श्रेयस ने एक के बाद एक दो खतरनाक चौके लगाए, लेकिन दोस्तों वेंकटेश ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं निभा पाए। 9वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने वेंकटेश का शिकार कर कोलकाता को चौथा झटका दे दिया, जहां यह बल्लेबाज 8 गेंद पर केवल 16 रन बना पाए और उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रिंकू ने अपना खाता खोला और खाता खोलकर 9 ओवर में कोलकाता को 102 रनों तक पहुंचा दिया। हालांकि 4 विकेट गिरने के बाद मानो रनों की रफ्तार में पूरी तरह से लगाम लग चुकी थी। 11 ओवर में कोलकाता जहां 114 रन बना पाई तो 12वें ओवर में करण शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए रिंकू ने खतरनाक छक्का लगाया और अपनी टीम को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 13वें ओवर में एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने एक के बाद एक दो बेहतरीन चौके ठोके। ऐसा लगा कि कोलकाता की पारी पटरी पर वापस आने वाली है, लेकिन दोस्तों तभी उन्हें एक और झटका लगा। खतरनाक लग रहे रिंकू सिंह लॉकी फर्गुसन के सामने घुटने टेक बैठे और 16 गेंद पर 2 चौके और 1 छक्के की बदौलत 24 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। इसी के साथ कोलकाता की आधी पारी सिमट चुकी थी। 14 ओवर में 142 रन बनाकर कोलकाता ने अपने 5 बल्लेबाज गवा दिए और पूरी तरीके से बेंगलुरु मैच में हावी नजर आ रही थी। अब मैदान पर आंद्रे रसेल अय्यर का साथ निभाने आए थे, लेकिन वह भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए। 16 ओवर में बड़ी मुश्किल से कोलकाता केवल 155 रन बना पाई। साफ तौर पर पता चल रहा था कि बेंगलुरु इस मुकाबले में बहुत हावी है, लेकिन दोस्तों एक छोर पर लोन वॉरियर की तरह कप्तान श्रेयस अय्यर मौजूद थे, जो अकेले ही बेंगलुरु के गेंदबाजों के लिए काल बने हुए थे। 17वें ओवर में यश दयाल की बेरहमी से पिटाई करते हुए श्रेयस अय्यर ने एक और चौका एक खतरनाक छक्का लगाकर न केवल 17 ओवर में अपनी टीम को 177 रनों तक पहुंचाया, बल्कि केवल 35 गेंद पर अपना खतरनाक अर्धशतक भी ठोक दिया। हालांकि दोस्तों वह भी केवल 36 गेंद पर 7 चौके और 1 छक्के की बदौलत 50 रन बनाकर वापस लौट गए। उनके आउट होने के बाद मैदान में उतरे रमनदीप सिंह ने 19वें ओवर में मोहम्मद सिराज के खिलाफ लगातार 2 गेंद पर पहले 2 तूफानी छक्के और फिर अगली गेंद पर चौका लगाकर 19 ओवर में कोलकाता को 206 रनों तक पहुंचा दिया। तो आखिरी ओवर में रसेल और रमनदीप ने मिलकर 3 चौके लगाए, 20 ओवर में कोलकाता को 222 रनों के एक मैच विनिंग टोटल तक पहुंचा दिया, जहां अंत तक नाबाद रहते हुए रसेल ने 20 गेंद पर 27 रन बनाए। रमनदीप ने केवल 9 गेंद पर 2 चौके और 2 छक्कों से सजी 24 रनों की बेमिसाल पारी खेली। अब इस लक्ष्य का पीछा करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर विराट कोहली के साथ कप्तान फॉर्म डु प्लेसिस की जोड़ी मैदान में आई थी और पहली गेंद पर कोहली ने हर्षित राणा को चौके के साथ दर्शन कराकर अपना और अपनी टीम का खाता खोला। तो जाते जाते ओवर के आखिरी गेंद को बाउंड्री के 4 छक्के के लिए डिपॉजिट कर उन्होंने अपने ओवर में 12 रन बटोर लिए। वे कमाल के फॉर्म में नजर आ रहे थे और असली दवाई तो उन्होंने मिशेल स्टार्क के खिलाफ लगाई जब इस 25 करोड़ के गेंदबाज का स्वागत किंग कोहली ने तीसरी गेंद पर गेंदबाज के सिर के ऊपर से एक ऐसा नो लुक छक्का लगाकर किया जिसने बिना देखे ही विराट ने उसे 100 मीटर से अधिक दूर फेंक कर पूरे स्टेडियम में हाहाकार मचा दिया। 2 ओवर में स्टेडियम ने 27 रन बना लिए बेंगलुरु ने
और उनकी पारी तेजी से आगे बढ़ रही थी, लेकिन तभी विराट कोहली गलती कर बैठे। तीसरा ओवर लेकर आए हर्षित राणा की फुल टॉस गेंद पर विराट ने बेहद खराब शॉट खेला और हर्षित ने उन्हें एक कॉट एंड बोल्ड कर बेंगलुरु को सबसे बड़ा झटका दे दिया, जिस पर कोहली ने रिव्यू भी लिया, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं मिला उन्हें। विराट कोहली 7 गेंद पर 18 रन बनाकर वापस लौट गए और उनके आउट होने के बाद मैदान में बिल जैक को भेजा गया, जिन्होंने आते ही खतरनाक छक्के से अपना खाता खोला। तीन ओवर में बेंगलुरु ने 35 रन बनाने लिए, लेकिन दोस्तों गरीबी में गीला आटा, या कहें कि बेंगलुरु की फूटी किस्मत। विराट के बाद चौथे ओवर लेकर आए वरुण चक्रवर्ती ने अपनी जादुई फिरकी के सामने पहली गेंद पर कप्तान दुप्लेसी को घुटनों पर ला दिया, जिनका आसान सा कैच वेंकटेश अय्यर ने लपका और बहुत जल्द बेंगलुरु के दोनों ओपनर्स को वापस भेजकर कोलकाता ने मैच में शिकंजा कस लिया। जहां डुप्लेसी केवल 7 रन बना पाए तो उनके आउट होने के बाद मैदान में अपराजित पाटीदार को भेजा गया। दूसरी तरफ बिल जैक कमाल की फॉर्म लग रहे थे। 4 ओवर में बेंगलुरु ने 45 रन 2 विकेट के नुकसान पर बना दिए और उनके फैंस का तो उनकी करारी हार अभी से नजर आने लगी। 5वें ओवर में इस बल्लेबाज ने एक बेहतरीन चौके की बदौलत अपनी टीम को 5 ओवर में 52 रनों तक पहुंचा दिया और वो बेंगलुरु की पारी को पटरी पर वापस ला रहे थे। उनका बल्ला गरज रहा था और पावर प्ले के आखिरी ओवर में उन्होंने मिचेल स्टार्क को आड़े हाथों लेते हुए 2 गेंद पर 2 खतरनाक छक्कों से उनका स्वागत किया और मैच की दिशा दशा को ही पलट कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया और आखिरी गेंद को चौके में डिपॉजिट कर उन्होंने 6 ओवर में बेंगलुरु को 74 रन तक पहुंचा दिया। बेंगलुरु मैच में वापस आ चुकी थी और आखिरी 84 गेंद पर उन्हें जीत के लिए 149 रन चाहिए थे, जो बिल्कुल पॉसिबल था। और फिर इस मैच में कुछ ऐसा हुआ कि अंतिम गेंद तक खेले गए इस रोमांचक मुकाबले ने इतिहास के पन्ने को पलट कर रख दिया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और कोलकाता में कौन बन सकता है आईपीएल 2024 का चैंपियन? आप किसे सपोर्ट कर रहे हैं? अपनी टीम की राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।